हेलो गाइस, तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ अपने कॉलेज आईआईटी बॉम्बे के मेन गेट के सामने। तो गाइस जैसा कि आप चाहते थे कि भैया हमें कैंपस का टूर कराए आईआईटी बॉम्बे के, तो गाइस आज मैं अपने कॉलेज आईआईटी बॉम्बे के मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस का टूर कराता हूँ। तो चलते हैं गाइस, अभी मेन गेट के सामने मैं खड़ा हूँ, तो लेट्स गो गाइस। खड़ा हूँ मेन गेट आईआईटी बॉम्बे के मेन गेट पे, तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो गाइस चलते हैं, चलो भैया आओ। तो गाइस अभी हम आ गए हैं कैंपस के अंदर, आई मीन मेन गेट से। आप देख सकते हैं मेन गेट मेरे पीछे है। तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं एक नई बिल्डिंग। तो गाइज आप सामने देख रहे हैं मेरे शैलेश जय मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज द बिजनेस स्कूल ऑफ आईआईटी बॉम्बे। तो गाइज ये वेरियस कोर्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट, तो गाइज मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स ऑफर कराते हैं, लाइक एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड मोर। तो गाइज आप देख सकते हैं, चलते हैं। तो गाइज दिस इज द एकेडमिक एरिया ऑफ आईआईटी बॉम्बे। यहाँ पर आप सभी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग देख सकते हैं, इंक्लूडिंग सीएस बिल्डिंग। आप अभी जो मेरे सामने देख रहे हैं ये सीएस बिल्डिंग है, कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग ऑफ आईआईटी बॉम्बे। तो अभी जो हम सामने जा रहे हैं चलते हैं, तो यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से अटैच है। अभी हम चलते हैं सीएस बिल्डिंग से लेक्चर हॉल की तरफ, यहाँ पर हमारे लेक्चर होते हैं। तो गाइज ये है आईआईटी बॉम्बे की मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, आईआईटी बॉम्बे की मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग CS कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग, ये इसका मेन गेट है। अभी टाइम मिला तो गाइस इस पे भी हम एक व्लॉग बनाएंगे, कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग, यहाँ पर सभी स्टूडेंट का ड्रीम होता है। तो गाइज अभी देख रहे हैं यहाँ पे सामने क्लास चल रही है, हमारी भी क्लास यहीं पे होती है। तो अभी हम आ गए हैं लेक्चर हॉल जहाँ पे सभी क्लासेस होती है आईआईटी बॉम्बे की। ये इधर ओल्ड बिल्डिंग है सीएस की, और ये तुम्हारा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट की क्लासेस होती है। इसका भी एक ब्लॉग बनाएंगे कभी जब अंदर गए। तो अभी चलते हैं गाइज अपने मेन बिल्डिंग, आईआईटी बॉम्बे की जो मेन बिल्डिंग है उधर चलते हैं, इसका रास्ता इधर से है। तो गाइज अभी चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ। तो गाइज आप देख रहे हैं ग्रीनरी, देख रहे हैं गाइज आप कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे।
यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि एकदम शांत पीसफुल। तो गाइस अभी आप देखेंगे कैफे 92 जो अभी कैफे 92 तो गाइज आप देख सकते हैं ये है IIT बॉम्बे की मेन बिल्डिंग जहाँ पर सारे स्टूडेंट के ऑफिशियल वर्क होते हैं लाइक स्कॉलरशिप हो गया एडमिशन उसमें सभी ऑफिशियल्स जो वर्क होते हैं सब यहीं पर होते हैं हम सब के। तो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉन कितना अच्छा है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है एकदम मस्त कैंपस है गाइज। तो गाइज अब पानी गिर जाएगा मेरे ऊपर। तो ये है गाइज मेन बिल्डिंग ऑफ IIT बॉम्बे और उसके अपोजिट जो आप देखेंगे इनफाइनाइट कॉरिडोर जो कि फेमस है IIT बॉम्बे का वो उस साइड है। तो गाइज मैं लेके चलता हूँ तुम्हें इनफाइनाइट कॉरिडोर वो सामने अपोजिट आप देख रहे हैं। तो गाइज देख रहे हैं आप लॉन कितने प्यारे प्यारे लॉन है यहाँ पे एक ये और एक इस साइड है ग्रीनरी आप देख रहे हैं गाइस यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है। तो गाइस चलते हैं अभी मेन बिल्डिंग की तरफ और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पास से। तो गाइस देख रहे हैं भैया पौधों को पानी दे रहे हैं। हेलो भैया तो यहाँ पर मतलब पेड़ पौधों का इतना ख्याल रखा जाता है गाइज बहुत ज़्यादा कुछ भी नई बिल्डिंग बनाते हैं तो पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं उनको ऐसे ही रखा जाता है एज इट इज़। तो इसलिए IIT बॉम्बे में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ का तो गाइज चलते हैं अंदर इस साइड चलते हैं लॉन में। एक प्यारा सा स्लोक भी मिलेगा गाइज वहाँ पे आपको। तो गाइज ये प्लेस है वहाँ पे यहाँ पर हमारी तो गाइज यहाँ पर हमारी सर्वे की लैब होती थी जब हम सेकंड ईयर में थे तो हमारे यहाँ सर्वे की लैब होती थी। तो गाइज चलते हैं अंदर प्लीज डोंट ब्लॉक।
Excuse me. Do you know his name? Do you know this special name? Yeah, Pitta. Sorry. The Pitta, no? थैंक यू. तो गाइज ये है द पिट्टा स्टैचू. ये है द पिट्टा. तो ये किसी ने तो बनवाया है. तो गाइज यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक बर्ड बैठती थी, वो किसी हट गई शायद, यहाँ से किसी ने हटा लिया, कुछ हो गया. कॉरिडोर की तरफ. ये है आईटी बॉम्बे की आर्क, ब्यूटीफुल सी आर्क, और यहीं से हमारा लेफ्ट एंड राइट कॉरिडोर स्टार्ट होता है. ज्ञानम परम भयम, ये तुम्हारा इधर आ जाता है मेन बिल्डिंग, और ये आईडीसी स्कूल ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ स्कूल. भाई भाई, तो गाइस देख रहे हैं आप, ये है इनफाइनाइट कॉरिडोर. तो मैं तो थक जाऊंगा वहाँ तक जाते हुए, तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ इतना ही. तो गाइज इसमें मतलब सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से अटैच है. लास्ट में तुम्हारा लेक्चर हॉल है जहाँ पे हमारी क्लास होती है, और ये इधर से ये लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है रास्ता. तो गाइज ये है इनफाइनाइट कॉरिडोर, बहुत ही फेमस है. तो आई होप गाइज आपको अच्छा लग रहा होगा. तो गाइज लास्ट तक बने रहना, मैं आपको सब कवर कराता हूँ. अभी शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, तो सोच रहा हूँ मतलब जल्दी से सब कवर हो जाए. अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ. तो मेरा बैग वहीं पे रह गया यार, बैग उठा लेता हूँ पहले. ये गाइज हमारा सिविल डिपार्टमेंट, और ये हमारे पिट्टा जी. बाय 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 पिट्टा जी. बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये, हमारी लिफ्ट है इधर. तो मैं तो स्टेयर से जाऊंगा. यहाँ से लाइब्रेरी का एक शॉर्टकट रास्ता है गाइज, मैं उधर से ही जाऊंगा अभी. तो लाइब्रेरी जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो कि आईटी बॉम्बे की जो मेन बिल्डिंग है उसमें एंट्री करते ही आपको दिखता है. तो ये है गाइज आपके शिवाजी का स्टैचू. छत्रपति शिवाजी का स्टैचू आप देख सकते हैं गाइज. और ये तुम्हारा राइट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू है गाइज. और यहाँ पे तुम्हारा स्विमिंग होता था, यहाँ पे तुम्हारा पूल होता था, अभी बंद है ये पता नहीं किस कारण से. तो गाइज चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ.
जैसे गाइज आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको अपना अकाउंट खुलवाना रहता है, या तो आप कैनरा बैंक में खुलवा सकते हैं या SBI। तो यहाँ पर तुम्हारा SBI बैंक है कैंपस के अंदर ही, SBI बैंक है, यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं फर्स्ट ईयर में। वैसे तो हमेशा गाइज कैनरा में ही खुलवाना चाहिए। तो ये शॉर्टकट है गाइज, इधर से चलते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर की तरफ। तो गाइज पहले हमारे यहाँ डोमिनोज ऑनलाइन ही ऑर्डर करते थे, मतलब कैंपस का उठता। तो गाइज फाइनली हम आ गए हैं स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर की तरफ, और ये तुम्हारा आ गया है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। तो यहाँ पर गाइज आपको मिलते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड सभी, जो आपकी हॉबी है उससे रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। मेरी मोबाइल की बैटरी भी डाउन होने वाली है। तो गाइज अभी हमने एंट्री कर लिए। तो गाइज अभी मतलब ई समित वो 23 हुआ था अभी। तो ये आप जो वॉल देख रहे हैं ये हर साल चेंज रहती है, मोड इंडिगो पे मोड इंडिगो की रहती है, ई समित पे ई समित, टेक फेस्ट पे टेक फेस्ट का डिज़ाइन हो जाता है। तो आप ड्राइंग देख सकते हैं गाइज कितनी ब्यूटीफुल ड्राइंग है यहाँ पे, ये हर साल ऐसी रहती है। ये रनिंग का हो गया गाइस, और ये क्रिकेट खेल रहे हैं, उधर तुम्हारा वॉलीबॉल, वो साइड तुम्हारा वॉलीबॉल, और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं गाइस ये न्यू सेक बिल्डिंग है, इसमें न्यू जिम और डांस क्लब मतलब गेम्स है सभी।
तो गाइज वो सामने जो बिल्डिंग दिख रहे हैं मेरे, वो तुम्हारा टेबल टेनिस कोर्ट है उधर, बैड में बैड टेबल टेनिस और तुम्हारा स्विमिंग पूल भी उधर ही है। सॉरी, स्विमिंग पूल की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते गाइज अभी, तो वो अलाउ नहीं है, अभी खाली नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे सब। तो गाइज ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये आप न्यू सेक बिल्डिंग है, इसमें तुम्हारा न्यू जिम और टेबल टेनिस कोर्ट हो गया, तुम्हारा सभी गेम्स हैं वहाँ पे, आप कैरम बोर्ड और डांस क्लब और तुम्हारा कमांडो, अरे वो फाइट वाला यहाँ पे। खाना ग्राउंड, मैं भी काफी थक चुका हूँ, आप देख रहे हैं सभी खेल रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज अभी चलते हैं, अभी हमारा क्या रह गया गाइज, हॉस्टल्स रह गए और तुम्हारा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में गाइज थोड़ा मतलब अलाउ नहीं है वीडियो बनाना इस टाइम, क्योंकि वहाँ पे ट्रायल चल रहा है। और तुम्हारा कॉन्वोकेशन हॉल रह गया अभी गाइज, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगा। अभी अंधेरा हो गया है वैसे काफ़ी, वैसे जा सकते हैं। तो चलो गाइज वो भी चलता हूँ, वो उधर जाना पड़ेगा इसके लिए यार। ठीक है चलते हैं गाइज, मैं आपके लिए पूरा टूर कवर करता हूँ जैसे कि आपने बोला था, तो लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पे तुम्हारा क्लाइंबिंग स्पॉट आ गया, देख रहे हैं भाई, चढ़ जा भाई जल्दी चढ़ जा। तो गाइज ये है वो बिल्डिंग जिसमें आप वॉलीबॉल बैडमिंटन वो सब खेलते हैं। तो अभी चलते हैं गाइज स्विमिंग पूल, देखते हैं वो हमें अलाउ करते हैं क्या वीडियो बनाने के लिए, वैसे तो कभी करते नहीं अलाउ। तो चलते हैं गाइज। तो गाइज अभी हम आ गए हैं स्विमिंग पूल की तरफ, चलते हैं गाइज आपको स्विमिंग पूल भी दिखाता हूँ मैं। ये है जिम खाना का गाइज, DS फाउंडेशन जिम खाना, जिसका मेन गेट यही है गाइज। और ये तुम्हारा लेफ्ट साइड में स्विमिंग पूल। ये इसका बोर्ड गाइस, IIT स्विमिंग क्लब जनरल रूल्स, यहाँ से तुम्हारी एंट्री होती है गाइस। तो गाइस मैंने उनसे परमिशन ली थी कि क्या मैं व्लॉग बना सकता हूँ, मतलब थोड़ा सा रिकॉर्ड कर सकता हूँ स्विमिंग पूल पे, तो भैया ने मना कर दिया, बोल रहे कि डीन से एप्लीकेशन लिखवाइए पहले तभी आपको परमिशन मिलेगी। तो गाइज सॉरी फॉर दैट फॉर दिस। तो आप जान सकते हैं, थोड़ा सा देख लो नज़ारा, वो जो दिख रहा है बस यही था गाइज, अभी चलते हैं, अंधेरा हो गया। तो गाइज अभी हम आ गए हैं एरोमाज कैंटीन, तो मुझे अभी प्यास लग रही थी तो मैंने ये माजा ली है। तो
तो अभी चलेंगे गाइज कॉन्वोकेशन हॉल. अंधेरा हो गया है काफ़ी, लेकिन शायद वहाँ पे लाइट होगी. तुम्हारा इस साइड समीर हिल का रास्ता है, हम फर्स्ट ईयर में गए थे उधर भी. तो गाइस चलते हैं. ब्लॉग बना सकता हूँ तो ऐसी मज़ेदार वीडियो बनाने के लिए
आपको मेरा साथ देना होगा गाइज, तो मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बना पाऊँ। तो अभी मेरी शुरुआत ही है गाइज, तो अभी लेके चलता हूँ गाइज मैं अपने हॉस्टल 17 की टेरेस पर, आपको वहाँ से तुम्हें मैं पवई लेक का व्यू दिखाता हूँ, नाइट का नाइट व्यू। तो गाइज चलते हैं अभी हॉस्टल 17। अभी मैं बगी में बैठ गया हूँ तो ये यहाँ पे चलती है इलेक्ट्रिक बैटरी वाली बग्गी। तो गाइज अभी चलते हैं हॉस्टल 17 की टेरेस पे, वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ पवई लेक का व्यू, बहुत मस्ती आएगा गाइज। तो गाइज चलते हैं अभी। तो गाइज ये है हॉस्टल 17 की मेस, आप देख सकते हैं ये अंदर का व्यू है हॉस्टल 17 का। तो अभी चलते हैं हॉस्टल टेरेस पे। तो चलते हैं गाइज लिफ्ट में, तो 9th फ्लोर पे है गाइज लिफ्ट, 9th फ्लोर पे है। तो अभी चलते हैं गाइज हॉस्टल 17 की टेरेस पे, उससे मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो गाइज फाइनली हम आ गए हैं हॉस्टल 17 की टेरेस पे। तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ नाइट व्यू ऑफ हॉस्टल 17 टेरेस। तो गाइज ये देख रहे हैं आप सामने पवई लेक, और उसके पहली तरफ पवई बिल्डिंग्स। गाइस देख रहे हैं आप कितना अच्छा व्यू है। वो तुम्हारा समीर है सामने, ब्लैक माउंटेन दिख रहा है। ये हमारे हॉस्टल रूम सब, और वो तुम्हारा समीर विहार लेक उस साइड। और ये तुम्हारा हॉस्टल 12 एंड 14 11, सब PhD और सीन MTech वाले रहते हैं वहाँ पे। तो गाइज ये था तुम्हारा लास्ट स्टॉप टूर का, कैंपस टूर का। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज़ मैंने दिन में आपको स्टार्ट किया था टूर, और अभी रात हो गई है, लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर ली है। तो गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मुझे, और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो और ब्लॉग दिखाता रहूँगा। तो कभी आउटसाइड जाना हुआ तो आउटसाइड के अभी ब्लॉग बनाएंगे गाइज। बॉम्बे भी टूर करना है अभी, तो बॉम्बे के भी कुछ अच्छे अच्छे प्लेस हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा। मुझे मरीन ड्राइव हो गया, बांद्रा हो गया। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। तो वहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है सिंगिंग का, ओके गाइज बाय बाय, लव यू गाइज ऑल एंड थैंक्स अलॉट। तो गाइज जैसा कि आपने बोला था भैया कैंपस टूर करा दीजिए, तो मैंने आपको ट्राई जगह दी। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।